हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विजुटेक। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इवन आपको शायद आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं p ऑफ x एंड g ऑफ x, हमको इसको इससे डिवाइड करना है, देन हमको क्या निकालना है, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। डिवाइड उसी तरह से करना है जैसे हम पहले करते आए हैं। मान के चलिए हमको 3 दिया है, उसको हमको 7 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो वो इसके इक्वल आए या उससे कम आए। तो हम क्या देखेंगे, इक्वल तो आएगा नहीं, तो हमको इसको इससे कम क्या आएगा, 3 × 2 = 6। अब उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। ये आ गया हमारा रिमाइंडर एंड देन ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी है और बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स तक का आना है। तो आप इसको अच्छे समझिएगा और कोशिश करेंगे कि हम इसको ईजी से ईजी करने की। देन अब हम ये लिखेंगे यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, देन सिमिलरली इस p ऑफ x को इसके अंदर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ओके, अब देखिए यहां पे इसका पहला टर्म देखिए x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। हमने अभी देखा है कि हमको इसको इक्वल करना है, तो ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये इसकी इक्वल आए। देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हमको जरूरत किसकी है, सिर्फ एक की है। दैट मीन हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x से। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर होगा इसका तो ये आ जाएगा x की पावर 3। ओके, अब देखिए इसी नंबर से इस x से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा -2 × x, बट पावर कितनी है, 1, तो ये यहां पे नहीं आएगा, ये आएगा 5x के नीचे, क्योंकि इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। तो क्या आएगा यहां पे, -2x। अब क्या करेंगे, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहां पे आ जाएगा माइनस और यहां पे आएगा माइनस माइनस प्लस, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया और यहां पे माइनस। अब देखिए सेम नंबर है, प्लस माइनस पे कट गया, देन यहां पे ये -3x² एज इट इज यहां पे लिखेंगे 3x², देन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 5 + 2 = 7 और दोनों की वेरिएबल क्या है, x, हो गया +7x और ये भी 3 एज इट इज यहां पे आ जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब इसी को इस तरह से फिर से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे पहला टर्म क्या है, -3x² है और यहाँ पे क्या है, x² है। दैट मीन्स वेरिएबल दोनों के सेम है, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 से होगा, तो यहाँ पे होगा -3। ओके, अब देखिए 3x² × 3 -3x², ओके, देन 3 × 2 = 6 माइनस माइनस प्लस, कहाँ आएगा ये, अब x की जगह पे नहीं, इस कांस्टेंट टर्म की जगह पे आएगा, तो आएगा 3 × 2 = 6 माइनस माइनस प्लस, तो +6। ओके, अब क्या करेंगे, सिमिलरली फिर से वही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यहां से माइनस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये दोनों सेम नंबर है, साइन चेंज है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 7x माइनस माइनस, 6 भी माइनस में हो गया, 3 भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ गया, ये आ गया 9, 6 + 3 = 9, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर एंड ये आ गया हमारे पास क्वेश्चंट। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी दो पॉलिनोमियल दिए हैं पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स दिया है x की पावर 4 -3x² +4x - 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मगर जी ऑफ एक्स को देखिए अच्छे से, x² +1 - x है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। दैट मीन्स जो डिग्री होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो अब क्या हो गया, कौन सा टर्म पहले आ गया है, तो इसको अपन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x² -x + 1। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सेम मेथड जैसे हमने पहले अप्लाई किया है, जी ऑफ एक्स को यहाँ लिख लेंगे x² -x + 1, देन पी ऑफ एक्स को लिखेंगे हम,
क्या है x की पावर 4, बट अब देखिए इसमें एक टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक टर्म मिसिंग है, कौन सी है, x की पावर 3। अब अगर वो टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर कोई टर्म नहीं हो सकती तो उसका कोएफिशिएंट सिंपल सी बात है 0 होगा। तो हम इसको क्या रखेंगे, 0, बट इसको रखेंगे क्योंकि बाद में इसका यूज होगा। अब क्या होगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x की क्यूब लिख दिया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये अगर किसी भी नंबर कोई भी किसी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे भी 0 जाएगा, बट इसको हमको रखने की जरूरत है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा तो आज सॉल्यूशन करने में ईजी होगा। तो चलिए अब फिर से हम वही मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए सामने वाला टर्म कितना है, x की पावर 4 है। अब इसको हमको इससे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो x की पावर 4 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो हमें किसके लिए चाहिए है, अब x की पावर 2 लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2, 2 जा 4, बस हमको लिखना कैसा है, x की पावर 4। नाउ अब नेक्स्ट टर्म में x, और यहाँ पे कितना है x स्क्वायर इंटू x की पावर 3। तो देखिए अब आया यहाँ पे इसका यूज, यहाँ पे रखना ही पड़ेगा हमको, अगर ये ब्लैंक छोड़ देते तो सॉल्यूशन तो आता मगर प्रॉपर वे में नहीं आता, तो अब यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो आएगा माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब। देन क्या है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट नंबर के लिए, फर्स्ट वेरिएबल के लिए। तो अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, या माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस से यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब जो कट सकता है काट दीजिए, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 कैंसिल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3 बचेगा। ओके, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 1 यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, माइनस में 4 एक्स की पावर 2, और यहाँ पे प्लस 4x को एज इट इज लिख दीजिए। तीन टर्म है तो अपन तीन टर्म ही लेके चलेंगे अभी। अब देखिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, x की पावर 3, और यहाँ पे कितना है, x की पावर 2। क्या चाहिए, x चाहिए सिर्फ पावर 1 के साथ, तो प्लस यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ x। ओके, अब फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 2 3, एक्स की पावर 3, देन माइनस एक्स इंटू एक्स, सो इजी, माइनस एक्स स्क्वायर, जब कोई कोफिशियंट नहीं है तो सिर्फ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, देन 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, देन अगेन वही मेथड अप्लाई करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए सारे को, माइनस यहाँ पे साइन चेंज हो गया प्लस, यहाँ पे साइन चेंज हो गया माइनस, ये सेम है, एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, बट 4 किस में है, माइनस में, तो वो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस 4 3, जो आएगा 3x स्क्वायर, देन अगेन माइनस प्लस, माइनस 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, प्लस के साथ 3x, देन हम यहाँ से इस 5 को नीचे लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस 5। ओके, अब आप भी बता सकते हैं इसके आगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अब कौन सा नंबर चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी दोनों में है, तो यहाँ पे जाएगा पर माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, देन अगेन माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस 3x, तो यहाँ पे आ गया प्लस 3x। ओके, देन 3 इंटू 1 3 माइनस 3 माइनस में है, इसलिए 1 प्लस में है तो माइनस में 3। अब फिर से वही सेम प्रोसीजर, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस में तो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस तो जो कि माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सेम नंबर है दोनों, साइन चेंज है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी वही होगा, ये 3x है माइनस 3x है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 5 प्लस 3 8, सो दैट हमारे पास क्या आ गया, ये रिमाइंडर बचा, और ये जो पूरा है ये क्या आ गया, क्वेश्चेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो सकता है, कई लोगों को नहीं, बच्चों को समझ आता, मगर ये बहुत इजी मेथड है, सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म को ही तो इक्वल करना है, फिर बाद में जो नंबर आ रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल।
by dividing the second polynomial by the first polynomial. That means आप ये check करिए कि क्या first polynomial second polynomial का factor है, और कैसे चेक करना है, सेकेंड वाले को पॉलिनोमियल को फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करके. और हम फैक्टर्स कैसे निकालते थे, फैक्टर्स हम 7, 8 बहुत सारे क्लासेस में निकाले हैं. किस तरह से निकालते थे, मान के चलिए किसी भी नंबर को अगर किसी अदर नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए फैक्टर के लिए, जीरो आना चाहिए. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, 12 लेते हैं, तो 12 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा. हम 12 को 2 से भी कर सकते हैं, पूरा 12 कट के कितना जाएगा, जीरो आएगा रिमाइंडर. हम इसको 4 से भी कर सकते हैं, इसको हम 6 से भी कर सकते हैं. दैट मीन्स किसी भी नंबर से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा. वही चीज इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है. अगर अपन इस पॉलिनोमियल को फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को फर्स्ट से अगर डिवाइड करते हैं, यदि उसका रिमाइंडर जीरो आता है तो क्या होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का क्या होगा, फैक्टर होगा. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. खैर इसी को हम सॉल्यूशन बना लेंगे, यहां पे हम इस ब्रेसेस बनाते हैं. तो हमको सेम मेथड अप्लाई करना है, डिवाइड जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी तरह से यहां भी करना. तो यहां ध्यान दीजिए, पहला वाला टर्म देखिए क्या दिख रहा है, 2t की पावर 4, और यहां पे क्या है, t की पावर 2 है. तो हमको क्या है? किस नंबर की जरूरत है, सबसे पहले तो किसकी जरूरत है, 2 की जरूरत है. यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आएगा. देन अब वेरिएबल में कितनी पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो किसकी जरूरत है हमको, टी की पावर 2 की जरूरत है. तो यहाँ पे आ गया टी की पावर 2. अब देखिए t² × 2t² तो t² क्या हो गया, टी की पावर 4 हो गया. देन हमको 2 की भी जरूरत थी तो हमने 2 से भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कोफिशियंट पे 2 आ गया. ओके, नाउ सिमिलरली हम इसी इस टर्म को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6, बट टी की पावर कितनी है, 2 है, तो कहाँ पे आएगा, इस वाले टर्म के नीचे आएगा. तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा −6t² ओके, सो सिंपल. अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया. अब बचा क्या, 3t³ −2 + 6 कितना आएगा, 4 + 4 तो +4t² −90 and −12 सिंपल है. अब फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 3t³ है, तो सबसे पहले तो 3 ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल कितनी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 2 है, किसकी जरूरत है, 1 की जरूरत है, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ टी से, जिसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी. अब 3t × t² कितना होगा, 3t³ हो जाएगा, तो हो गया 3t³ अगेन. अब सेकेंड टर्म को भी इसी से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 = 9 बट कितना, टी से पावर कितनी है, टी, तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, 3 × 3 = 9 तो −9t. समझ में आ रहा है. अब फिर वही माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये सेम नंबर से दोनों के, और दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे माइनस में 90 है और यहाँ पे प्लस में 90 हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये वाले दोनों टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब बचा क्या, सिर्फ 4t² देन −12 ओके. अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, 4t² और यहाँ पे कितना है, t², जरूरत किसकी है, राइट 4 की जरूरत है, प्लस सिर्फ 4 की जरूरत है, बहुत इजी हो रहा क्वेश्चन अब. तो 4 × t² 4t² देन सिंपल 4 × 3 = 12 कैसे में, माइनस में 12. देन हम क्या करेंगे, अगेन माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, सेम नंबर कैंसिल आउट, और अलग अलग सी वो साइन है, देन यहाँ पे वही है, यहाँ पे कैंसिल होएंगे, रिमाइंडर कितना बचा, That means first polynomial is a factor of second polynomial. ये हमारे पास आंसर सही आया, जीरो आ गया रिमाइंडर. Now next है क्वेश्चन नंबर 3rd. ओह क्वेश्चन नंबर 2nd कहाँ गया? आपको क्वेश्चन नंबर 2nd मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप लोग इसको घर में रखिए और सॉल्व कीजिए. थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे और भी गिफ्ट दूंगा, आप अच्छे सॉल्व कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए. तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ. सेम प्रोसीजर है, 2 पॉलिनोमियल दिया है, दोनों को सॉल्व करके हमको इसको फैक्टर बताना है, जीरो लेके आना, रिमाइंडर अगर जीरो आता तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको. सिमिलरली यहाँ पे हम डिवाइड बनाते हैं. ओके
नाउ अब वही मेथड है। सबसे पहले देखिए टर्म कितनी है, x की पावर 5 है और इस वाले की टर्म कितनी है, x की पावर 3 है। जरूरत किसकी है, x की पावर 2 की। तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5। तो क्या हो गया, ये x की पावर 5 आ गई। ओके देन अब क्या होगा, अब 3x मल्टीप्लाई कीजिए, 3x इंटू x2 कितना हो जाएगा, 3x इंटू x2 कितना होगा, 3x की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x की पावर 3। ओके देन बचता क्या है 1, तो 1 इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस x2। ओके अब देखिए क्या होगा, अब फिर से इसको अपन को क्या करना है, सेम प्रोसीजर, सारे के सारे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से। ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज माइनस। ओके यहाँ पे भी x की पावर 5 है, यहाँ पे भी x की पावर 5 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x क्यूब क्या है, प्लस में है, और यहाँ पे 4 क्या है, माइनस में है, और दोनों का वेरिएबल की पावर सेम है। तो क्या होगा, माइनस x क्यूब, क्योंकि 4 क्या है, बड़ी वैल्यू 3 से। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट अब क्या आएगा, जिसको हम उठा के यहाँ पे रखेंगे 3x और यहाँ पे 1 क्या नीचे जाएगा। ओके अब देखिए फर्स्ट वैल्यू देखिए x की पावर 3 है और यहाँ पे कितना चाहिए, x की पावर 3 चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे। तो देखिए माइनस 1 से करते हैं, तो माइनस 1 से करने पे क्या होगा, 1 इंटू x की पावर 3 कितनी हो जाएगी, माइनस x की पावर 3। ओके फिर सिमिलरली 3x इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 3x। ओके और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है अब क्या करेंगे हम इसको, सिमिलरली ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 3x है और ये क्या है, माइनस 3x है। ओके तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट अब इस क्वेश्चन में कंडीशन डिफरेंट हो गई, क्योंकि ये वाला 1 भी प्लस में हो गया है और ये वाला प्लस 1 भी प्लस में हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में रिमाइंडर मिलेगा हमको, तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 2 मिल गया। दैट मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, जस्ट बिकॉज रिमाइंडर बच गया है। ओके तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड होमवर्क करना है, और इन केस कोई क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। आई होप कि अब सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेंगे। थैंक यू।